नमस्कार दोस्तों, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ पीनट बटर की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। घर में रखे कुछ सामानों से बहुत ही आसान तरीके से कुछ ही मिनटों में हम आपको पीनट बटर बनाना सिखाएंगे। तो चलिए पीनट बटर बनाते हैं। पीनट बटर बनाने के लिए हमने सामग्री इस प्रकार लिया है। एक कटोरी मूंगफली दाना, नमक, चीनी, ऑलिव ऑयल। तो चलिए पीनट बटर बनाना शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले मूंगफली दाना को रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के लिए हमने कढ़ाई गर्म कर लिया है और अपने गैस का फ्लेम लो रखा है। लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए दाने को भूनेंगे। हमने मूंगफली को रोस्ट कर लिया है, अब हम ठंडा होने के लिए रखेंगे इसको। हमने मूंगफली को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, अब हम इसको किचन टॉवल पर पलट कर इसके अंदर इस तरह से कर रख कर इसको हाथ से रगड़ेंगे, जिससे इसका छिलका निकल जाए। हमने किचन टॉवल में मूंगफली को रगड़ कर छिलका और दाना अलग कर लिया है, अब हम इसको छान लेंगे। छिलका और दाना अलग अलग कर लेंगे। हमने मूंगफली को स्पाइडर फ्रायर में ले लिया है, इसको इस तरह से हिलाएंगे, सारा छिलका अलग हो जाएगा और मूंगफली अलग। छिलका हटाने का बहुत ही आसान तरीका है। हमने मूंगफली दाना को अच्छी तरह से साफ कर लिया है, अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें ये दाना ले लेंगे और अब इसको पीसेंगे। हमने मूंगफली को लगभग 30 सेकंड पीसा है, इस तरह से पीस गया है। अब हम इसमें बाकी सामग्री ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक ऐड करेंगे, ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, चीनी ऑप्शनल है, अगर चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे, इससे इसमें थोड़ा सा मिठास आ जाता है और इसका मीठा फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब हम इसको लगभग 30 सेकंड के लिए फिर पीसेंगे। 1 मिनट में हमारा बहुत ही अच्छा पीनट बटर बनकर तैयार है। अब हम इसको एक कंटेनर में भर लेंगे। इस बटर को कंटेनर में भरकर हम स्टोर कर सकते हैं। इसको आप 1 महीने भी खा सकते हैं, ये खराब नहीं होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 1 मिनट में पीनट बटर बनाकर तैयार किया है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।